हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूं, जिसमें मैं सभी जो आजकल कटिंग लगने वाली हैं उन्हीं प्लांट्स को शेयर करने वाली हूं। तो परमानेंट प्लांट शेयर करूंगी जिनकी इस समय कटिंग लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। तो देखिए, ये हैं बोगनवेला, मेरे ऊपर रखे हुए हैं। इनकी मैं कटिंग कर रही थी तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ और आपको शेयर भी करती हूँ। और ये यहाँ पर हैं कुछ हिबिस्कस जो मेरे ऊपर ही रखे हुए हैं। तो इस समय हम बहुत सारी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, जैसे जैसे मौसम में गर्माहट आ रहा है तो बहुत सारी कटिंग हम ग्रो कर सकते हैं और फ्री के प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए, सभी में अभी कलियाँ भी आई हुई हैं, पर इन कलियों का हमें लालच नहीं करना होता है, क्योंकि अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए हमें अभी अपने प्लांट्स की कटिंग करनी होती है और तभी हमारे प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ भी होती है। और जो कटिंग हम लोग करते हैं उनको हम वेस्ट ऐसे नहीं फेंकते, उनको हम नए प्लांट बनाने के लिए यूज़ भी करते हैं। तो सभी प्लांट्स की देखिए मैंने आज कटिंग की है और उनसे बहुत सारी कटिंग मुझे फ्री की मिल गई है। तो काफ़ी सारे प्लांट आप भी इस तरह से बना सकते हैं, परमानेंट प्लांट के, कनेर के और बोगनवेला और हिबिस्कस, बहुत सारे परमानेंट प्लांट हैं इस समय। और ये कुछ मेरे नीचे रखे हैं परमानेंट प्लांट, वो शेयर कर रही हूँ मैं। तो ये चंपा का है, देखिए इसकी कटिंग हम इस तरह से ले लेते हैं और इसकी कटिंग में एक वाइट कलर का स्वैप निकलता है, देखिए यहाँ पर। तो ये जब भी आप कटिंग ग्रो करें इस पर कुछ फंगीसाइड लगा दें या फिर हल्दी पाउडर लगा दें और स्वैप के सूखने पर ही आप कटिंग को ग्रो करें। तो गीला रहने पर जो है अच्छे से ग्रो नहीं होती है, तो वो पूरी तरह सूख जाएगा तभी मैं इसको ग्रो करूँगी। तो बहुत सारे देखिए ये कोलियस के कलर हैं, इनको भी हम इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो अभी तो मैं जो मेरे पास हैं परमानेंट प्लांट वो शेयर कर रही हूँ। ये सनचीजिया का प्लांट है, इसकी लीफ बहुत ही खूबसूरत होती हैं, येलो कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं इस तरह के प्लांट। और क्रोटोन की भी कोई भी वैरायटी है, आप इस समय क्रोटोन भी ग्रो कर सकते हैं। छोटी सी टॉप की कटिंग ले सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। ये है पेंसिल कैक्टस। तो देखिए इस तरह की कटिंग आप सभी प्लांट्स की ले लें। और इस समय जो है अभी 8 से 10 दिन तक आप कटिंग लगा सकते हैं, अभी समय है कटिंग लगाने का। तो आप कहीं से भी, पार्क से, अपने रिलेटिव से, आसपास से कटिंग लाकर लगा सकते हैं और न्यू फ्री के प्लांट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा है चाइनीज ऑरेंज, जिस पर बहुत सारे चाइनीज ऑरेंज लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। और इसकी टॉप की कटिंग लीजिए, काफ़ी पुराना प्लांट है ये, बड़े से मैंने प्लांटर में लगाया हुआ है और 3 से 4 बार इस पर जो है ये ऑर्नामेंटल जो हैं ऑरेंज लगते हैं। और ये है डेविल्स बैकबोन। इस समय जो है डेविल्स बैकबोन की ये कंडीशन होती है, सारी लीव्स जो है इसकी मुरझाने लगती हैं ज़्यादा सर्दी में और ऐसा लगता है जैसे हमारा प्लांट बचेगा नहीं, क्योंकि ये इस समय जो है लीफ गिराना स्टार्ट कर देते हैं और इसमें भी वाइट कलर का स्वैप निकलता है, देखिए इस तरह से। तो इसकी कटिंग भी हमें जो है स्वैप इसका सूख जाए तभी लगानी होती है। और ये एग्लिफा और सेफलेरा, इस तरह के प्लांट की कटिंग हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं इस समय। तो मेरे पास ये भी 2 कलर के हैं एग्लिफा, एक रेड कलर में है और एक ये ग्रीन और येलो। तो ये जो भी परमानेंट प्लांट मैं अभी शेयर कर रही हूँ इन सभी की कटिंग हम लगा सकते हैं। ये है फाइकस, फाइकस की कटिंग भी कोई भी वैरायटी हो, फाइकस की बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल होती हैं, तो किसी भी वैरायटी की कटिंग इस समय ग्रो हो जाएगी, क्योंकि अभी जनवरी का लास्ट ही समझिए और फेब में जो है ज़्यादातर सारी कटिंग लग जाती हैं। तो दो ही समय में हमारी कटिंग लगती हैं, एक तो फेब में और एक बारिश के सीज़न में, तो बहुत अच्छे से सारी कटिंग ग्रो होती हैं। तो इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाइए। तो देखिए मैंने बहुत सारी कटिंग अपने प्लांट से ले ली है और जब भी हम कटिंग ग्रो करें तो नीचे की लीव्स जो हैं इस तरह से हटा दीजिए,
क्योंकि जो नीचे की लीव्स होती हैं वो मिट्टी के संपर्क में आकर फंगस पैदा करती है और हमारी लीफ जो है कटिंग जो है सड़ने लगती है। तो इस तरह से नीचे की पूरी लीव्स जो है हटा दीजिए, तभी अपनी जो है सारी कटिंग लगाइए। तो मैंने सारी नीचे की लीव्स जो है देखिए इस तरह से हटा दी हैं। टाइम तो लगता है, पर यह है कि अगर हमें कोई काम करना है तो अच्छे से करें जिससे हमारी कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाए। तो मैं अपनी कटिंग जो है इस तरह की देखिए ट्रे में लगाती हूँ, इसमें हमारे खेत के प्लांट आते हैं। और ये मैं नीचे डाल रही हूँ लीफ कंपोस्ट। तो हमेशा जो मेरे गार्डन से लीफ निकलती है उनसे मैं लीफ कंपोस्ट बनाती हूँ अपने आप ही। और जो लीफ जैसे अभी मेरी कटिंग से निकली है उनका भी मैं लीफ कंपोस्ट ही तैयार करूँगी। तो नीचे इसमें मैंने डाल दिया है लीफ कंपोस्ट और ऊपर मैं गार्डन सॉयल देखिए मैंने पहले से तैयार की हुई थी। गार्डन सॉयल में थोड़ा सा सैंड मिलाकर ये आप अपनी कटिंग लगा सकते हैं। टैप टैप करके इस तरह से भर लीजिए अच्छे से और अपनी कटिंग लगा दीजिए। तो अगर कोई भी रूटिंग हार्मोन्स आपके पास नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो हैं लोग कटिंग ग्रो करने के लिए रूटिंग हार्मोन्स को यूज़ करते हैं, मैं तो मेरे पास एलोवेरा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एलोवेरा में डिप कर इस तरह से देखिए आप अपनी कटिंग लगा सकते हैं। सभी कटिंग जो है बहुत ही सक्सेसफुल हो जाती हैं और बहुत सारे जो हैं आपके न्यू प्लांट बन जाते हैं। तो इस तरह से वन बाय वन आप सारी कटिंग अपनी लगा सकते हैं और बहुत सारे फ्री के प्लांट बना सकते हैं। तो मैं देखिए सारी कटिंग लगाने के बाद अब ये मैंने दोबारा से शूट किया है, क्योंकि बहुत समय लग जाता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इस समय आप बहुत सारी कटिंग से बहुत सारे फ्री के प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए हमारी सारी कटिंग लग गई हैं और अब हमने डाल देना है इनमें सब में पानी। तो देखिए और तो चलिए, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।